अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन तैयबा बाबर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर है कि वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लेना ठीक है भी कि नहीं। अब जैसे कि हम फेमिलियर हैं, ड्रिंक्स जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। क्यों अच्छी नहीं होती? वो एसिड रिफ्लक्स को हमारी जो है वो ट्रिगर करते हैं, हमारे GI प्रॉब्लम्स काफ़ी इंक्रीज कर देती हैं। तो इसके ऊपर जो है हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जो है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कैफीन पाया जाता है काफ़ी हाई क्वांटिटी के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम 200 mg से ज़्यादा हम उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी अगर ड्रिंक्स अगर पर डे, जैसे कि मेरे पास पेशेंट अक्सर आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमें बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, हमने हर खाना खाने के बाद जो है वो यहाँ खाने के साथ हमें लेना होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी कैफीन की क्वान्टिटी अपनी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। अगर जो है प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको प्रीटर्म डिलीवरी होगी, ठीक है, आपका प्रीटर्म जो है वो लेबर स्टार हो जाएगा, प्रीटर्म बर्थ होगी आपको, साथ ही जो मिसकैरेजेस हैं वो उसके चांसेस रेट भी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप 350 ml की बात करो तो उसके अंदर 30 to 35% mg जो है वो कैफीन की क्वांटिटी पाई जाती है। तो कैफीन जो है वो मिसकैरेजेस करवा रहा है, साइड बाय साइड वो आपको कंसीविंग के जो चांसेस हैं वो भी आपके लो करवा देता है, क्योंकि कैफीन की वजह से और कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से क्या होता है कि फर्टिलिटी अगर कम हो रही है तो आपको कंसीव नहीं हो पाएगा, अगर हो भी गया तो मिसकैरेज जो है वो थ्री फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर में वो हो जाता होता है। तो बेहतर है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स को जो है वो कम से कम लें। अगर बात की जाए शुगर क्वांटिटी की तो 350 ml में अराउंड जो है 10 to 12 स्पून्स जो हैं वो शुगर के उसके अंदर एडिड होते हैं। उसके अंदर साइड बाय साइड हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी ऐड होते हैं। अगर सैचुरिन की बात की जाए वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फीटस के लिए भी और मदर के लिए भी। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी ऐड होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सैचुरिन की, वो उसके अंदर कार्सिनोजेनिक जो है वो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो कि मदर और फीटस दोनों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और अगर जो है एस्पार्टम हो गया या सैक्रालोज हो गया, ये जो है अच्छे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इनको आप ले सकते हो। बट आपने अगर आपको जो है आपका दिल कर रहा है तो आप सिप्स फॉर्म में ले लें, बट वीक्स में 2 मरतबा ले सकते हैं, वो भी रोज़ाना नहीं लेना है, वो भी आप 2 से 3 या 3 से 4 सिप्स आप ले लें। और अगर आपका दिल ख़राब हो रहा है उस चांसेस, अगर फीमेल क्या करती हैं कि उनका दिल ख़राब होता है कि वो कहती हैं या तो हम कोई कावा ले लें या हम ड्रिंक पी लें। अमूमी तौर पे वो जो है कोक या स्प्राइट, इन दोनों चीज़ों को प्रेफर करती हैं। कोक जो है आजकल जहाँ तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, कोक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, जो कि बहुत ही नुकसान लायक होती है। अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक फीमेल ले रही है तो बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अगर वो उसकी प्रेगनेंसी ठीक भी चल रही है लेकिन उसको प्रीटर्म जो है वो अफेक्ट उसके स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप 0 कैलोरी कॉक्स की बात करो तो उसके अंदर जो है एस्पार्टम और ऐसी सल्फेम होता है जो कि आप हफ्ते में 1-2 बार ले सकते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिप्स फॉर्म में आप ले सकते हैं। लेकिन उसका आपको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके अंदर ना तो विटामिन होते हैं ना मिनरल्स होते हैं, सिर्फ उसके अंदर कैलोरीज होते हैं। अगर कैलोरीज ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली जो है फीमेल का वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर फीमेल का वेट ज़्यादा है तो बच्चा बाज़ात क्या होता है, फीमेल का वेट इंक्रीज़ हो जाता है, बच्चे का वेट जो है वो ज़्यादा माल नरिश्ड की तरफ आ जाता है, यही पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से। कोल्ड ड्रिंक्स में जो होता है कि अगर आप ले रहे हो तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसमें अस्थमा के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप लैमिनेट ले रहे हो, लैमिनेट जो है उसके अंदर वो हाई सिट्रस एसिड उसके इंक्लूड होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंसनट्रेटेड लैमिनेट उसके अंदर यूज़ किया जाता है, जो ऑटोमेटिकली आपके रेस्पिरेटरी आपके लंग्स में इंफ्लेमेशन क्रिएट करेगा, अस्थमा बच्चे के अंदर करवा देगा। आप कौन सी ड्रिंक्स ले सकते हैं? आप आइस टी ले सकते हैं, आप अगर स्क्विंजी बना के लेना चाहें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोकोनट वाटर आप ले लें, आप कोल्ड वाटर आप यूज़ करने बजाय इसके आप गलत हैबिट्स की तरफ जाएं, आप अच्छी चीज़ों की को अपनी हैबिट्स बनाएं और इन चीज़ों से जो अपने आप को जो है वो बचाएं।